नदी को पुनर्जीवित करने के जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया, जिससे नदी में अब धारा बहने लगी है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते नदी का पानी 8 फीट रह गया था, जिसके बाद कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने टीम बनाकर सिंचाई विभाग को कार्य सौंपा। टीम ने नदी की खुदाई करके पुनर्जीवित कर दिया। में डैम बन गए हैं, वो रोक देते तो कि धारा भी अच्छा पानी आप कहीं नहीं करें भाई, बूटा काम करा था ना नदिया बाबा, अभी पहली साल ये पानी चलाते ना, नहीं बंद हो जाते सर, धारा टूट जाती। वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए दो मूल प्रॉब्लम थे, एक तो पूरी नदी में लगभग 8 से 9 फीट की गाद इकट्ठी हुई थी और दूसरी नदी के आधे एरिया में बीजा कब्जा हुआ था। तो ये दोनों कार्यों को हम लोगों ने महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है और DMF, इन दोनों को कन्वर्जेंस करके हम लोगों ने इस पे काम किया है। तत्कालीन जो भी अधिकारी थे उनको कार्ययोजना बना के और सकरी नदी के उत्थान की बात की थी, जो धीरे धीरे मूर्त होती गई और वर्तमान कलेक्टर साहब और जो ई इरीगेशन है उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें प्रयास किए।